हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान ट्यूटोरियल। तो यहाँ मैंने गाइस एक कुर्ती की कटिंग करके रखी है, तो अब मैं नेक की मार्किंग कर रही हूँ। तो मैंने 4.5 इंच चौड़ा नेक मार्क कर किया है। अब इसकी मैं लेंथ मार्क कर रही हूँ, तो यहाँ मैंने 7 इंच पे मार्क किया है। देन मैं गाइस इन दोनों मार्क्स को आपस में जॉइंट कर दूंगी, तो यहाँ मेरा एक वी शेप वाला नेक बन जाएगा। तो अब ये जो वी नेक है मैं इसको कट कर लूंगी। अब मैंने एक वी शेप की पट्टी बना के रखी थी, तो मैं इसको उसके ऊपर रख के सिलाई लगा लूंगी। तो सिलाई लगाने के बाद यहाँ मैंने बीच में एक कट लगाया है एंड साइड में दो दो कट लगाए हैं। तो अब मैं इसको फोल्ड करके पीछे की तरफ इसको फोल्ड करके मैं सिलाई लगा लूंगी। तो सिलाई लगाने के बाद मैंने यहाँ एक लेस ली है, तो मैं इसको बीच में से इसको डबल फोल्ड करके यहाँ मैं नीचे से साइड से 1.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ, 1.5 इंच पर। तो यहाँ मैं थोड़ा तिरछा इसको ड्रॉ कर रही हूँ, इसको वी शेप देने के लिए मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ मैं सिलाई लगा लूंगी। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है लेस का, इसको मैं कट कर लूंगी। अब हम इसको ओपन करेंगे तो देखिए बिल्कुल वी शेप बन गया है अच्छे से। इसको मैं इस फैब्रिक के ऊपर रख के स्टिचेस लगा लूंगी। लेस को सिलने के बाद यहाँ मैंने गाइस एक ये पीस लिया है, तो मैं इसको इस नेक के अंदर रख के, ये मैंने पीस इतना बड़ा लिया है कि नेक के अंदर अच्छे से रख जाए और उससे एक्स्ट्रा ही हो नेक से। तो मैं इस फैब्रिक को अलग ले रही हूँ, तो यहाँ मैंने इसको डबल फोल्ड करके अब मैं नेक की मार्किंग करूंगी। तो यहाँ मैं 3.25 इंच चौड़ा नेक ले रही हूँ एंड जो मेरी नेक की डेप्थ है वो मैंने 3 इंचेस ली है। तो अब मैं इसको राउंड शेप दे रही हूँ। देन अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। सो नेक की कटिंग करने के बाद अब यहाँ मैंने साइड पे 1 इंच पर मार्क किया है। तब यहाँ से मैं नीचे ये जॉइंट इस तरह से ड्रॉ करूँगी, तो मेरा ये कुछ आर्मोल जैसा शेप बन गया है। तब यहाँ मैं इस कुर्ती को अच्छे से इसके ऊपर रख के देख रही हूँ कि मुझे कितना ज़्यादा ओपन रखना है एरिया। तो मुझे लगा शायद थोड़ा और ओपन रखना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ 3.5 इंच पर मार्क करके इसको थोड़ी सी और गहराई दे रही हूँ। तो अब मैं इसको कट कर लूँगी। तो कट करने के बाद यहाँ मैंने ये पट्टी ली है, तो इसको मैं यहाँ साइड से सिल लूँगी। अब मैं इसको डबल फोल्ड करके सिल रही हूँ, तो इस साइड में ऐसे ही सिल लूँगी। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ मैं छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ, तो दोनों साइड में कट्स लगा रही हूँ। कट्स लगाने के बाद मैं इसको पीछे की तरफ फोल्ड कर लूंगी और सिलाई लगा लूंगी। सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर ये पार्ट रखकर इसको अच्छे से सेट कर लूंगी। इसको सेट करने के बाद यहाँ मैं सिलाई लगा लूँगी, और मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये जो मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं इसको कट कर लूँगी। अब यहाँ मैं एक और सिलाई लगा लूँगी।
तो सिलाई लगाने के बाद अब मैंने ये बैक पार्ट लिया है एंड मैं बैक पार्ट पर फ्रंट पार्ट को रखकर यहाँ मैं शोल्डर अटैच कर लूँगी। तो ये जो मेरे एक्स्ट्रा ये छोटी छोटी पट्टी सी निकली हुई हैं इनको भी मैं सिल लूँगी इसमें। एंड ये नेक की और ये सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ जो एक्स्ट्रा ये कपड़ा है मैं इसको पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है, अब मैं बैक नेक की कटिंग करूँगी। यहाँ बैक नेक की गहराई मैं 2 इंच ले रही हूँ एंड मैं बिल्कुल जस्ट आगे वाले के बराबर ही इसकी पीछे वाली नेक की चौड़ाई ले रही हूँ। तो मैंने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद यहाँ मैं गाइस थोड़ा सा पार्ट ओपन रखूँगी पीछे से, तो यहाँ मैंने 2.5 इंच पर मार्क किया है एंड इसको एक ड्रॉप का शेप देते हुए मैं इसको कट कर लूँगी। कट करने के बाद यहाँ मैंने एक ये पट्टी ली है जो मैंने थोड़ी तिरछी काट के रखी है एंड मैंने इसको एक साइड से सिल लिया है। तो यहाँ मैं इसको ऐसे सिला हुआ पार्ट नीचे की तरफ रख के और ऊपर से मैं इसको से पलट के सिलाई लगा लूँगी और सेम ऐसा ही मैं नेक में भी करूँगी। जो मेरे सिलाई लगाई हुई साइड है वो नीचे की तरफ दबा के और ऊपर ऐसे फोल्ड करके इसको सिलाई लगा लूँगी। तो ये है मेरे गाइज नेक का फाइनल लुक। आपको कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।